रोहतक के 100 साल पुराने इस प्याव की कहानी है बड़ी ही निराली। लाहौर हाई कोर्ट में चला था इसका केस। यहाँ शहर में रेलवे रोड पर एक चलता फिरता प्याऊ है जो करीब 100 साल पुराना है। वाटर कूलरों के इस दौर में भी गंगा सागर जो पानी रखने का एक पात्र में पानी पिलाकर पुरानी परंपरा को जिंदा रखे हुए है। खास इसलिए है क्योंकि इसे शुरू करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट तक शरण लेनी पड़ी थी लोगों को, और इसे स्थापित करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। आज जिस जगह एक प्याऊ है वह कभी नगर पालिका की जमीन हुआ करती थी। रेलवे रोड बाजार के दुकानदारों ने चंदा इकट्ठा कर यहाँ प्याऊ लगाने का कार्य शुरू किया। तत्कालीन नगर पालिका प्रशासन को जब प्याऊ स्थापित करने का पता चला तो उसने ऐतराज़ जताया। पालिका प्रशासन ने प्याऊ निर्माण पर रोक लगाते हुए तोड़ने के आदेश दे दिए। लाख मन्नतों के बावजूद पालिका प्रशासन ने जब अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा तो प्याऊ को तोड़ने के लिए कर्मचारी भेज दिए गए। दुकानदारों ने विरोध किया। एकजुट होकर दुकानदार ने रातों दिन निर्माण कार्य करवाया। अगले दिन पानी पिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पंचायती प्याऊ को स्थापित करने वाले लाला मथुरा प्रसाद गुप्ता के पोते और वर्तमान प्रधान अनिल गुप्ता बताते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते मामले ने इतना तूल पकड़ा कि जिले भर में चर्चा का केंद्र बन गया। नगर पालिका ने भी खुद को पक्ष कमजोर होते हुए देख दुकानदारों पर दबाव बनाने के लिए कानूनी दाव खेल दिया। रेलवे रोड के दुकानदारों को कानूनी नोटिस भेज दिया गया। दुकानदारों ने इस पर भी हार नहीं मानी और तत्कालीन लाहौर हाई कोर्ट में केस डाल दिया। फैसला भी उनके पक्ष में आया। तभी से निर्बाध रूप से प्याऊ संचालित किया जा रहा है। 5 साल 50 तारीखों के बाद जीता था यह केस। प्याऊ का संचालन कराने के लिए लाला मथुरा प्रसाद गुप्ता और लाला पदम सेन जैन व रूपचंदर जैन समिति के पहले इंचार्ज बने। करीब 5 साल तक लाहौर हाई कोर्ट में केस चला और 50 तारीखें पड़ी। तीनों ही इंचार्ज बारी बारी से कोर्ट में तारीखों पर जाते। आर्थिक तंगी तो लड़ाई लड़ने के लिए चंदा इकट्ठे करने में भी संकोच नहीं किया। 500 किलोमीटर दूर लाहौर हाई कोर्ट में तारीखें 2 दिन पहले निकलना पड़ा। पंजाब के गुरदासपुर के लाहौर रास्ते से लाहौर तक का सफर तय किया जाता था। आखिर लाहौर हाई कोर्ट ने दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाया और यह प्याऊ उनको दे दी।